झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ के द्वारा निम्नलिखित 5 सूत्री मांग की जाती है। पहला, राज्य वित्त आयोग का राशि शीघ्र पंचायत को दी जाए ताकि पंचायत गांव की सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा, कार्य अवधि के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर उचित 30 लाख की मुआवजा की व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। माननीय मुखिया गणों का मानदेय केरल राज्य के तर्ज पर 30,000 निर्धारित की जाए। चौथा, वर्तमान समय में सरकार द्वारा चल रहे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास एवं अन्य सरकारी योजना के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिवारजनों को शामिल किया जाए ताकि 100% योजना का लाभ जनता को मिल सके। जैसे कोई मुखिया या वार्ड सदस्य अत्यंत गरीब एवं लाल कार्डधारी तथा रोजी रोजगार के लिए कूली लेबर का कार्य कर रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधि एवं उनके परिवार को योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इस बाबत कार्यालय से आदेश हेतु एक पत्र निर्गत किया जाए। पांचवा, झारखंड के सभी पंचायत की मांग है कि बिना जांच किए वित्तीय शक्ति जब्त ना किया जाए जिससे मुखिया पद का अपमान हो। झारखंड के जिस मुखियाओं का वित्तीय पावर जब्त किया गया है उन्हें पुनः वापस किया जाए। विदित हो कि मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत के मुखिया श्रीमती प्रभा किस्पोटा को वित्तीय अनियमितता का झूठा आरोप लगाकर पदच्युत कर दिया गया, जबकि पंचायत विभाग द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2024 को एक पत्र मुखिया को दिया जाता है जिसमें मुखिया को अपना जवाब पक्ष देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है, परंतु बिना जवाब दिए ही आनन फानन में उपायुक्त कार्यालय रांची से 9 जुलाई 2024 को एक पत्र बिना पत्रांक दिनांक के अनुच्छेद की धारा 30, 64 एवं 142 धाराओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर मुखिया प्रभा किस्पोटा को पदच्युत कर दिया गया, जो कि असंवैधानिक एवं षड्यंत्र की बू आ रही है। मुखिया प्रभा किस्पोटा की पदच्युत को पुनः वापस किया जाए। आज हम लोग झारखंड प्रदेश के जनक तले यहाँ पे पूरे झारखंड प्रदेश के मुखिया गण यहाँ धरना पे बैठे दिया गया है। टाइम अनटाइड में बैरियर लगा दिया गया है जिसके कारण अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे ताकि हम लोग अपने पंचायत में सर्वांगीण विकास कर सके। आप सभी को पता होगा कि जितने भी सरकार का जन कल्याणकारी योजना है पंचायत में उतारने का काम केवल मुखिया ही करते हैं, और ऐसे में आज यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि पंचायत के मुखिया यहाँ धरना पे बैठे हैं। जी, झारखंड राज्य मुखिया संघ की तरफ से हम समझते हैं कि बहुत 5 मांगों की तरफ से जो जितना हमारे समूह जी बात बोले तो मांग है ये है, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार को इससे बढ़ करके जो मुखिया का दायित्व होता है, महात्मा गांधी ने ही इसको बहुत सोच समझ करके पंचायती राज की व्यवस्था का गठन किया था। पंचायत में जन्म से मृत्यु तक का जानकारी और सर्टिफिकेट देना एक मुखिया का होता है, और हमारे सोम जी ने बोला कि सवेरे उठने के बाद 12 बजे रात तक समेकित पंचायत में ही सभी मैंने प्रतिनिधियों का काम करना पड़ता है, आपको जनता जनार्दन का काम करता है, लेकिन सरकार मुखिया के प्रति उदासीन रवैया से छुप धोकर के बाध धोकर के इस कदम को उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी मुखियागण हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। 5 सूत्री मांगों में पहला मांग हम लोगों का है, जिस प्रकार दूसरे राज्य में राज्य का अपना वित्तीय फंड होता है, जैसे केरल में, हरियाणा में, बिहार में, इसी प्रकार झारखंड राज्य में भी राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसीलिए पहला मांग है राज्य वित्त आयोग का राशि का आमंत्रण अति शीघ्र पंचायत को दे। दूसरा मांग है कोई भी जनप्रतिनिधि कि अगर आकस्मिक किसी कारण से एक्सीडेंट से, बीमारी से, सांप काटने से मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कम से कम 30 लाख का बीमा का व्यवस्था हम लोग बहुत पहले से मांग करके आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि अभी अड़की में गरीब महिला मुखिया को सांप काटने से मृत्यु हो गई, अब उसका परिवार देखिए सड़क पर आ गया। अगर बीमा 30 लाख का रहता तो कम से कम उस परिवार का भरण पोषण होता, पढ़ाई लिखाई होता। इसी प्रकार कोरमांझी में बीमारी की इलाज
बीमारी के इलाज में उसका ध्यान दो। इसीलिए हम लोग 30 लाख का बीमा, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, दूसरा मांग हम लोग को। तीसरा हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग का कोई घटना घट गया तो वहाँ जाइए, किसी का आकस्मिक मृत्यु हो गया वहाँ जाइए, जिस कारण का विवाद हो गया तो वहाँ समझाने बुझाने सुलताने के लिए वहाँ जाइए। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सेवा में रहते हैं और हम लोग को केरल राज्य की तरफ पर 30,000 का मानदेय सुनिश्चित किया जाए, ठीक किया जाए। चौथा हम लोग का मांग पत्र है, अभी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना जैसे मैया योजना हो गया या अब आवास योजना हो गया, अब सरकार का एक गाइडलाइन निकाल दिया है, प्रखंड से एक चिट्ठी पंचायत में भिजवा दिया है कि जो भी जनप्रतिनिधिगण है, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, पूर्व के सरकारों ने सभी प्रदेश के मुखियागणों को एक जगह बैठा के उनसे वार्ता किए और बोले, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने कि मुखिया जी आप बताइए आपका गांव में क्या समस्या है, हम आपका समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसा अगर गांव को या झारखंड राज्य को विकसित करना है तो अभी का वर्तमान सरकार को भी चाहिए था कि सभी प्रदेश के सभी माननीय मुखियागण को एक जगह बुलाते और कहते कि मुखियागण जी आप लोग बताइए कि आप लोग की क्या समस्या है, हम आपका समाधान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग हक हार करके, अभी सत्र शुरू हुआ नहीं उससे पहले हम लोग मांग पत्र दिए, फिर प्रदेश कमेटी का गठन करने के बाद उसके बाद मांग पत्र दिए, फिर उसके बाद भी 20 अगस्त को हम लोग एक माननीय मुख्यमंत्री के नाम मिलने के लिए कि हुजूर आपके साथ हम लोग बैठेंगे और हम लोग को जो मांग, जो भी समस्या है पंचायत का, गांव का जो समस्या आता है वो सबको हम बताएंगे, लेकिन कौन सुने? अंधेर नगरी चौपड़ राजा, लाल कार्डधारी है, मिट्टी का घर है, तो आपके पास पंचायत में क्यों आएगा भाई? ऐसे कई को गरीब मुखिया भी है, पंचायत से जिला परिषद भी है। पांचवा मांग हम लोग का है कि झूठा मूठा आरोप लगा के, 90 का आरोप लगा देगा या और वगैरह वगैरह आरोप लगा के एकदम सीधे धड़ से उसको एकदम बर्खास्त कर देता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है, विभाग के द्वारा लगाया जाता है, सरकारी कर्मचारी जो डीसी पीसी सीओ वीडियो है ऊपर डीडीसी तुरंत आरोप लगा देगा। अभी आपको ताजा तरीन उदाहरण को दे रहे हैं, मांडर प्रखंड का एगो सर्वा पंचायत का मुखिया प्रभा किसपोटा है, उसको वित्त ने अनियमितता का आरोप लगाया और पंचायत विभाग से एक चिट्ठी दिया उसको कि आप 15 दिनों के अंदर में अपना जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए और नहीं तो फिर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। 4 जुलाई 2024 को 15 दिन बीता भी नहीं है और 9 जुलाई को डीसी का कार्यालय से एक चिट्ठी निकलता है, उसको प्रभाग किसपोटा मुखिया को पहुंचूत कर दिया जाता है, जबकि उस चिट्ठी में पत्रांकों दिनांक नहीं। आप देख लीजिए, मुखिया हड़ताल में, पंचायत सचिव हड़ताल में, जलसहिया हड़ताल में, स्वयं सेवक हड़ताल में, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल में, किस आधार से कैसे चलेगा और क्या गांव का विकास होगा? नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में हम लोग जो अभी विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंक, ऐसे सरकार, निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, आज पांचवा दिन है, क्या पेपर के माध्यम से या आपको चैनल के माध्यम से सरकार के कान तक आवाज नहीं जा रही है? क्या इसका उचित नहीं बनता है कि हमारा एगो विंग है, विकास का जो पहला नीचे रीढ़ हमारा है, क्या उसका जो समस्या है उसको हम नहीं सुन सकते हैं? क्या उसके पास समय नहीं है? कैसे विकास करेगा वो अपना राज जब गांव का विकास नहीं है?